मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को एक घोषणा करते हुए कहा कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए अपने पद से हटने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नेता कुत्ते के मरने पर भी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन किसानों की मौतों की उन्हें कोई परवाह नहीं। मलिक ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना की भी आलोचना करते हुए ये कहा कि एक नए संसद भवन के बजाय एक विश्व स्तरीय कॉलेज बनाना बेहतर होगा। मलिक मोदी के कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल बने हैं। जयपुर में ग्लोबल जाट समिट को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा कि उन्हें किसानों के मुद्दे पर दिल्ली के नेताओं को निशाना बनाने पर राज्यपाल का अपना पद खोने का डर नहीं है। राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ मेरे सुपचिंतक हैं जो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और इन्हें हटाया जाए। दिल्ली में दो या तीन नेताओं ने उन्हें राज्यपाल बनाया। जिस दिन वो कहेंगे कि उन्हें समस्या है और मुझे पद छोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं एक मिनट भी नहीं लूंगा। मलिक आगे कहते हैं कि मैं जन्म से राज्यपाल नहीं हूँ, मेरे पास जो कुछ है उसे खोने के लिए मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रतिबद्धता नहीं छोड़ सकता। मैं पद छोड़ सकता हूँ लेकिन किसानों को पीड़ित और हारते हुए नहीं दे सकता। देश में पहले ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसमें 600 लोग मारे गए हों। उनका इशारा केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की मौत से था। तो राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें किसान आंदोलन के लिए अपना पद भी छोड़ना पड़े तो वो अपना पद तक छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।